इस सेशन में हम बात करेंगे यार्न्स के बारे में, खासतौर से उन यार्न्स की जिनका हम प्रयोग निटिंग में करते हैं। यार्न टेक्सटाइल के फाइबर से बनता है। फाइबर हमारा एनिमल बेस्ड हो सकता है, प्लांट बेस्ड हो सकता है, या मैनमेड सिंथेटिक फाइबर्स हो सकते हैं, या फिर ब्लेंड्स हो सकते हैं जो एनिमल, प्लांट या सिंथेटिक फाइबर्स के अलग-अलग परसेंटेज को लेकर एक धागा बनाया जाता है। जो फाइबर्स होते हैं उनको आपस में इंटरलॉक किया जाता है और उसका एक धागा बना दिया जाता है। पतले धागों को मोटा करने के लिए कई धागों को लेकर आपस में ट्विस्ट कर लिया जाता है जिससे कि एक मोटा धागा बन जाए। जितनी प्लाइज हम यूज़ करते हैं वो कपड़े के ड्रेप को, उसकी फील को और उसको किस तरीके से स्टिच किया जाएगा इसको प्रभावित करता है। यार्न्स का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो हम फाइबर के अकॉर्डिंग, उसके ट्विस्ट के अकॉर्डिंग और उसके वजन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर फाइबर है वुल, जो हमें भेड़ से मिलता है। ये सस्ता होता है, इसको आसानी से हम हैंडल कर सकते हैं। सर्दियों में ये बहुत बढ़िया फैब्रिक होता है क्योंकि गर्म, ड्यूरेबल होता है और इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर भी रिटेन कर लेता है अपने फाइबर्स के बीच में, और ये जब इसको बुनते हैं तो बीच में इसके एयर गैप्स भी रहते हैं तो पहनने में ये कंफर्टेबल रहता है। बाकी के फाइबर से भी बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है और ये बहुत अच्छे रंगों में डाई किया जा सकता है। एक प्रॉब्लम वुल में ये होती है कि इसमें थोड़े दिन बाद रुआ निकल आता है। मोहेर भी एक तरीके का वुलन फाइबर है जो बहुत फ्लफी होता है। इसको इसकी फ्लफीनेस के वजह से बुनने में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि स्टिचेस एक बराबर नहीं आते हैं, पर ये सबसे गर्म एनिमल फाइबर है। सॉफ्ट होता है, चमकीला होता है और हल्का होता है, इसलिए इसको एक्सपेंसिव और लग्जूरियस फाइबर माना गया है। इसमें थोड़ी सी इलास्टिक और स्ट्रेचिंग की भी कैपेबिलिटी होती है, ये खिंचता है और फिर वापस अपनी शेप में आ जाता है, इसलिए इससे बने हुए कपड़े जो हैं उनमें सिकुड़न नहीं होती है और वो लटकते नहीं हैं। ये सिल्क और वुल के साथ ब्लेंड करके बनाया जाता है जिससे इसमें थोड़ा सा वजन आ जाए। हालांकि ये एलर्जिक नहीं होता है बट इसकी जो फ्लफीनेस है उसके वजह से स्किन में रैशेस होने के दिक्कतें आ सकती हैं। ये ड्राई क्लीन किया जाता है या मशीन वॉश में भी, जेंटल मशीन वॉश किया जा सकता है। कॉटन सबसे लोकप्रिय नेचुरल फाइबर है। ये सस्ता होता है, चिकना होता है और इससे बहुत अच्छी ड्रेपिंग कपड़े में आती है। ये इलास्टिक नहीं होता है पर इसमें निटिंग के लिए एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये स्प्लिट कर जाता है, ये फट जाता है बीच में से, इसलिए निटिंग के लिए ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसको हैंड वॉश और मशीन वॉश दोनों किया जा सकता है। कैश्मीर एक बहुत ही बेहतरीन फाइबर है। ये मुलायम और महंगा फाइबर होता है। इसकी इंसुलेशन बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें जो हवा है वो अंदर से बाहर नहीं जाती है, इसलिए ये सर्दियों में पहनने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल माना गया है। ये महंगा फाइबर होता है, इसको सस्ता बनाने के लिए इसे अन्य फाइबर्स के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसमें स्टिचिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि इसमें ढीली सिलाई करनी पड़ती है और इसमें रुएं उठने के डर होते हैं। इसको ड्राई क्लीन ही किया जाता है। अंगोरा वुल हमें अंगोरा रैबिट से मिलता है। अंगोरा रैबिट बहुत ही छोटा जानवर होता है और इसका फाइबर जो है वो बहुत ही हल्का, पतला, सिल्की और मुलायम होता है, परंतु भेड़ की ऊन से ये 7 गुना ज़्यादा गर्म होता है। क्योंकि ये कम क्वांटिटी में मिलता है इसलिए ये एक्सपेंसिव है, और क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है इसलिए इसको लग्जूरियस यार्न माना जाता है। इसमें बहुत जल्दी से दाग लग जाते हैं, परंतु ये निटिंग के लिए बहुत अच्छा यार्न नहीं माना जाता है क्योंकि ये स्लिप करता है।
निटिंग के लिए उपयोगी बनाने के लिए इसको अन्य एक्रिलिक फाइबर्स से मिलाकर बनाया जाता है। इसको ड्राई क्लीन करते हैं या हैंड वॉश करते हैं ठंडे पानी में, और फिर इससे बने हुए कपड़ों को लटका के नहीं सुखाते हैं, फ्लैट सुखाते हैं, जिससे कि वो डी शेप ना हो जाए। ऐल्पैका हमें ऐल्पैका जानवर की बालों से मिलता है। ये एक बहुत डेंस फाइबर होता है और ये नाजुक स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इससे एलर्जी नहीं होती है। इस फाइबर में एक टेंडेंसी होती है कि ये बहुत ज़्यादा ड्रेप करता है, तो इसकी ड्रेपेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए इसे बाकी नेचुरल फाइबर्स से मिलाकर बनाया जाता है। इसको ड्राई क्लीन करते हैं या हल्का हैंड वॉश कर सकते हैं। सिल्क स्मूथ लग्जूरियस फाइबर है, ये बहुत फाइन फाइबर होता है, इसलिए इससे जो बनी लेसेस होती हैं वो बहुत महंगी होती हैं। परंतु इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि सिल्क धागे में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो ये चीज़ों को पकड़ती है। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इसकी ज़्यादा प्लाई के धागे यूज़ किए जाते हैं और इसे अन्य फाइबर्स के साथ ब्लेंड करके बनाया जाता है। इसे ड्राई क्लीन करते हैं या बहुत हल्का हैंड वॉश। मनुष्य द्वारा बनाया हुआ सबसे पुराना फाइबर रेयॉन है। इसमें नेचुरल फाइबर्स की सारी क्वालिटीज़ हैं। ये शाइनी है, सिल्की है, चिकना है, पहनने में ठंडा कंफर्टेबल होता है, बहुत अच्छी तरह रंगा जा सकता है और बहुत अच्छी तरह ड्रेप भी करता है। इससे बनाए हुए निटवेयर समर्स में पहने जा सकते हैं, क्योंकि ये गर्मी को रिटेन नहीं करता, इसमें इलास्टिसिटी भी होती है और ये ड्यूरेबल भी बहुत होता है। इसको हैंड वॉश कर सकते हैं, परंतु जो गार्मेंट में लेबल्स लगे होते हैं उसके अकॉर्डिंग इनको मेंटेन किया जाना चाहिए। नायलॉन सिंथेटिक फाइबर है, जो सिल्क को टक्कर देने के लिए बनाया गया था। ये रेयॉन की तरह लगता है, स्मूथ होता है, शाइनी होता है, बहुत आसानी से धोया जा सकता है और छूने में ठंडा लगता है, और ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, ये आसानी से फटता नहीं है, इसे मशीन वॉश किया जा सकता है। पॉलिएस्टर को नेचुरल फाइबर्स के साथ ब्लेंड करके बनाया जाता है, जिससे इजी टू केयर यार्न्स बन सके। इन यार्न्स की बहुत अच्छी ड्रेपिंग आती है और ये पानी रोकने की क्षमता रखते हैं। किसी भी सीजन में पहने जा सकते हैं, परंतु कभी कभी गर्मियों में ये स्किन को इरिटेट करते हैं। जब निटिंग इनसे की जाती है तो इसकी जो स्टिच है वो बराबर से कई बार नहीं बनते हैं। इसको मशीन वॉश किया जा सकता है। अगर यार्न को हम क्लासिफाई करें उसके प्लाई और ट्विस्ट के अकॉर्डिंग, तो दो कैटेगरीज आती हैं, एक सिंगल प्लाई और एक दो या उससे ज़्यादा प्लाई के धागे, और इनमें जेड ट्विस्ट और एस ट्विस्ट दोनों ही तरीके से यार्न को ट्विस्ट करके बनाया जाता है। अन्य तरीके के यार्न्स भी मार्केट में मिलते हैं, जैसे कॉर्डेड यार्न्स हैं। इनको कई प्लाईज यार्न को लेकर ट्विस्ट किया जाता है और उसके बाद ऊपर से एक और प्लाई को अलग डायरेक्शन में ट्विस्ट करके ये धागा बनाया जाता है। इनको रोप, रस्सी या किसी हैवी इंडस्ट्रियल फैब्रिक के लिए भी प्रयोग किया जाता है। बहुत बारीक अगर फाइबर से यार्न बनाया जाए तो इसे ड्रेस मटेरियल के लिए भी यूज़ किया जाता है। नॉवल्टी यार्न्स डेकोरेटिव यार्न्स हैं, जिनमें कुछ अलग तरीके के फीचर्स डाल दिए जाते हैं। कई जगह यार्न मोटा होता है, कहीं पतला होता है, उसमें अलग अलग इफेक्ट्स डाल दिए जाते हैं जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी धागे को और बेहतर बनाने के लिए उसमें टेक्सचर्स डाले जाते हैं,
जिससे कि वो देखने में और अच्छा लगने लगे, या उसकी गर्माहट बेहतर हो जाए, या उसकी पानी सोखने की क्षमता और बेहतर हो जाए। तो ये कुछ इंटरवल्स पे उसको ट्विस्ट कर दिया जाता है, कुछ हेरी इफेक्ट दे दिया जाता है, देखने में अच्छा लगता है। सर्फेसेस यान के थोड़े से रफ होते हैं, जो कि कपड़ा जब बनता है तो उसको एक अलग पहचान और अलग लुक दे देता है। फिर बल्कि यान्स होते हैं, ये यान्स में एयर स्पेसेस को ज़्यादा क्रिएट करके बनाए जाते हैं। इससे पानी सोखने की क्षमता और कपड़े की यान की वेंटिलेशन जो है वो और बेहतर हो जाती है। कभी कभी यान में वेविनेस दे दी जाती है, उसको क्रिम्प कर दिया जाता है कर्ल करके, जिससे अलग अलग इफ़ेक्ट्स आ जाएं। कभी यान को बीच में से खींच दिया जाता है, कहीं ढीला छोड़ दिया जाता है, तो इनको बल्कि यान्स के कैटेगरी में लाया जाता है। ये भी नॉवेल्टी यान्स की ही एक वैरायटी होती है, जो देखने में अच्छी लगती है और इससे कुछ फास्ट निटिंग वर्क्स किए जा सकते हैं। स्ट्रेच यान्स वो होते हैं जो स्प्रिंग की तरह होते हैं। इनमें अगर इनको हम खींचेंगे तो ये थोड़े से क्रिम्पी इफेक्ट के साथ, कर्ली इफेक्ट के साथ खिंच जाएगा, और जब छोड़ देंगे तो ये वापस अपने स्प्रिंग की शेप में आ जाएगा। ये थोड़े से बल्की भी होते हैं, और इनको कितना ट्विस्ट दिया गया है, कितना इनके अंदर का धागा क्या भरा है, इस पे इसकी वैरायटी चेंज होती रहती है। लास्ट है स्पैंडिक्स। स्पैंडिक्स बेसिकली इलास्टिक है। इसको जनरली हम लोग लोकल टर्म्स में लाइक्रा कहते हैं। ये हर तरफ से खिंचाव इस फाइबर में रहता है, तो जाहिर है इससे जो धागा बनता है और जो कपड़ा बनता है उसमें भी हर तरफ से खिंचाव रहेगा। ये स्पोर्ट्स वेयर में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है। मेटालिक यान ज़्यादातर डेकोरेटिव यान्स होते हैं। आजकल ये सब सिंथेटिक बनते हैं, पॉलिएस्टर के बनते हैं, या फिर मेटल फाइबर से कोटेड होते हैं। ज़्यादातर एल्यूमिनियम यूज़ होता है, बीच में एक धागा रन करता है और उसके ऊपर से ये मेटल सरफेस से कोटेड होते हैं धागे। अगर वेट के अकॉर्डिंग हम यान को क्लासिफाई करें तो इसमें कुछ तीन चार कैटेगरीज आती हैं। पहले ये ज़ीरो कैटेगरी, जिसको हम सिंगल प्लाई मानते हैं, ये सबसे हल्का और पतला यान होता है। इससे लेसेस ज़्यादातर बनती हैं और ये बहुत जल्दी इलजता है और जल्दी टूटता है। फिर कैटेगरी आती है जो एक से तीन तक की होती है, जिसको हम सुपर फाइन, फाइन और लाइट कहते हैं। इसमें दो से पांच प्लाई के धागे आते हैं। इनसे मोजे, ग्लव्स, हैट और बच्चों के कपड़े ज़्यादा बनाए जाते हैं। फिर फोर्थ कैटेगरी आती है, जिसको हम मीडियम कैटेगरी भी कहते हैं। इसमें 8 से 10 प्लाई के धागे आते हैं। इनको वर्स्टेड यान भी कहा जाता है। ये यान निटिंग के लिए सबसे अच्छा होता है और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है। इससे स्वेटर, स्कार्फ्स, हैट्स और ग्लव्स सब चीज़ें बनती हैं। लास्ट कैटेगरी जो फिफ्थ और सिक्स्थ कैटेगरी है, इसमें 12 से 14 प्लाई के यान्स आते हैं। ये ज़्यादातर बल्की और सुपर बल्की यान्स होते हैं। यान में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जब हम खरीदते हैं उसका लेबल, जिस लेबल में फाइबर कंटेंट मेंशन्ड होना चाहिए, कितने परसेंटेज क्या फाइबर उसमें मिक्स्ड है, ये उस पर लिखा होता है। यान का वेट लिखा होना चाहिए कि यान की थिकनेस क्या है, रैप्स पर इंच, प्लस उसके प्लाई काउंट क्या है, 1 से लेकर 14 तक कितनी प्लाईज का से वो धागा बना हुआ है। फिर अमाउंट, उसकी लेंथ और वेट, लंबाई में कितना धागा है और उसका वज़न कितना है, ये लिखा होना चाहिए। वो यार्ड्स एंड आउंसेस में लिखा हो सकता है या ग्राम्स या मीटर्स में लिखा हो सकता है। उसके बाद केयर इंस्ट्रक्शंस, नीडल साइज एंड गेज और डाई लॉट नंबर, ये भी लिखा होना चाहिए। केयर इंस्ट्रक्शंस में जिस तरीके से हम उस फाइबर से बनी हुई चीज़ों को धोएंगे, सुखाएंगे
या आयरन करेंगे, ये सारा कुछ उसमें लिखा होना चाहिए। किस नीडल से हम उसको बुनेंगे ये भी उसमें लिखा होता है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि कितने स्टिचेस डालेंगे और कितनी रोज़ बुनेंगे तो कितने इंच स्क्वायर इंच कपड़ा आपका तैयार होगा। डाई लॉट नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है धागा खरीदते वक्त, क्योंकि लॉट्स में जब धागा डाई होता है तो कई बार शेड में फ़र्क आ जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि एक प्रोजेक्ट के लिए हम सेम डाई लॉट नंबर का धागा खरीदें। अंत में ये चयन करना कि हम कौन सा धागा खरीदेंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए, इसके लिए हमें सबसे पहले अपने आप से कुछ प्रश्न पूछने चाहिए कि हमें उससे बने हुए कपड़े को किस तरीके से मेंटेन करना है, धोना है, रखना है, उसको हम किस तरीके के वेदर में पहनना चाहते हैं और उससे हम क्या चीज़ बनाना चाहते हैं, उसकी क्या साइज़ और क्या शेप होगी। अगर ये प्रश्न हम आंसर कर लेंगे तो हम अपने धागे को चूज़ करने में गलती नहीं करेंगे। हालांकि ये एक बड़ा पर्सनल चॉइस होता है कि हम क्या ऊन चुने, क्योंकि मेरिनो वूल से बहुत अच्छे दस्ताने बन सकते हैं, जबकि मोहेयर वूल से बहुत अच्छा एक स्कार्फ बन सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको धागों के बारे में, खास तौर से जो निटिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनके बारे में कॉन्सेप्ट आपका अब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।